दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सीएससी के द्वारा एनएसडीएल पोर्टल से पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी भी आप कोई भी कस्टमर्स का पैन कार्ड में किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं, चाहे आप फोटो अपडेट करवाना चाहते हैं या नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप एनएसडीएल पोर्टल से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी एनएसडीएल पोर्टल से पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, एनएसडीएल पोर्टल से पैन कार्ड बनाना बहुत ही आसान है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैं वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं, सीएससी से भी आप सर्च करके जा सकते हैं, सीएससी आईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लीजिएगा, जैसा कि अभी आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने यहां पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन मोड आपको दो प्रकार का मिलेगा, एक तो स्कैन बेस्ड ई साइन और ई केवाईसी। आज मैं आपको बताऊंगा ई साइन बेस्ड पे। तो आपको ई साइन बेस्ड पे जो बॉक्स है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कीजिएगा, इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिएगा, साथ में फिजिकल और पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, उसका आधार के साथ मोबाइल नंबर अगर लिंक रहेगा तो ओटीपी के माध्यम से आप ई साइन बेस्ड आसानी से बना सकते हैं पैन कार्ड। अगर आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक के द्वारा जो ई साइन का ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करके भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं। तो जो भी डिटेल है दोस्तों, वो आपको सही सही फिल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कैन बेस्ड पर बनाने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट में ई साइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पैन एक्नॉलेजमेंट आएगा, आप प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सीएससी में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सीएससी वॉलेट से 97 रुपये 12 पैसा का पेमेंट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना पासवर्ड और वॉलेट पे इंटर करके आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा ध्यानपूर्वक, ताकि जो भी प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी देख सकते हैं बता रहा है कि प्रोसेस टू एनएसडीएल पोर्टल पर क्लिक कर दीजिए, 107 रुपये का बिल आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे इसे प्रोसेस कर दीजिए। अभी दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन टाइप में आपने सेलेक्ट किया है न्यू पैन अप्लाई किया है, यानी कि इंडिविजुअल है, और आप यहां पे आधार नंबर एंटर कीजिए कैंडिडेट का, आधार कार्ड में जो नाम है वो एंटर कीजिए और टाइटल में जो भी है मिसेस है या फिर मिस्टर है आप सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आप पहले ही लिखे हैं, उसका जेंडर सेलेक्ट कीजिए और नीचे इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे आपको कन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट पेज में लेकर के जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से इसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेरेंट डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें से दोस्तों अगर आप पैन कार्ड में पिताजी का नाम चाहते हैं तो आप फर्स्ट में जो यहाँ पे यस नो लिखा हुआ है, जिसमें से नो करना है, ठीक है। अब पिताजी का नाम जो है दोस्तों, आपको यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम लिखना है, फिर से री एंटर करना है पिताजी के, पिताजी का नाम यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। अगर माताजी का अगर पैन कार्ड में नाम चाहिए तो ऊपर में आपको यस करना है, ठीक है, पिताजी का चाहिए इसके लिए हमने यहाँ पे नो कर दिया है। ये सब भरने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको पूछ रहा है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो आप यहाँ पे यस रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, जो भी इनकम का सोर्स है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इनकम फॉर अदर सोर्स, ठीक है, तो आप भी इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एरिया का एसटीडी कोड, अगर आपको पता नहीं है गूगल पे सर्च करेंगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, एसटीडी कोड, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंट या ऑफिस जो भी है रेसिडेंट सेलेक्ट कीजिएगा, अगर रेसिडेंट का है उसका पूरा एड्रेस लिखिएगा जो भी आईडी प्रूफ में है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम नंबर या फिर डोर नंबर या फिर ब्लॉक नंबर जो भी है, उसका विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, उसके बाद सब डिवीज़न, साथ ही डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा,
कंट्री में। साथ ही आप नीचे देख सकते हैं स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आप एरिया का पिन कोड लिखेंगे जो भी आधार कार्ड में है, और उसके बाद नीचे आपको आना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल फिल कर लिया है, ऑफिस एड्रेस नहीं है तो छोड़ दीजिए। नीचे दोस्तों यहाँ पे आप इसमें नो कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं फिर से नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मांगेगा एरिया कोड, AO टाइप और साथ में रेंज कोड और AO नंबर। आपको पता नहीं है क्या लिखना है तो नीचे आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए अपना स्टेट। साथ ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं है तो जहाँ भी हेड ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे देवघर में है तो मैंने देवघर सेलेक्ट किया, आपके आसपास वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब फाइनली बारी आती है आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ में एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ में डेट ऑफ बर्थ के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया। तो तीनों में हमने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया है। अब आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर और उसके बाद डॉक्यूमेंट। फोटो में दोस्तों आपको यहाँ पे मांगेगा 3.5 और 2.5 सेंटीमीटर में, ठीक है, मैक्सिमम 50 KB के अंदर में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है दोस्तों उसमें भी 50 KB के अंदर में होना चाहिए। जो भी साइज मांगा है वो दोस्तों आपको देना है, जो उस फाइल पर क्लिक कर लेंगे और जहाँ पर भी फोटो हमारा स्कैन किया हुआ है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करने के लिए कैसे रिसाइज कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे जहाँ पर भी हमारा स्कैन किया हुआ है। उसके बाद नीचे अपलोड यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट में भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो आधार कार्ड दिए हैं। ध्यान रहे कि आधार कार्ड आपको यहाँ पे PDF में अपलोड करना है, तभी दोस्तों अपलोड होगा, जो कि लिखा हुआ है मैंने नीचे कि PDF चाहिए। अभी देख सकते हैं मैंने इसे PDF में स्कैन करके रखा है, आप देख सकते हैं इसे हम सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नीचे प्लेस में आप विलेज का नाम लिख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपने डिटेल भरा हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा ई साइन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसमें सही सही मिलान कर लीजिएगा, कहीं भी अगर आपको लगता है कि गलत है, आपने गलत सही नहीं भर पाया सही से, तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो कन्फर्म कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब सही है, हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं एक OTP वेसेट ई साइन है और दूसरा है बायोमेट्रिक वेसेट ई साइन है, ठीक है। तो आपको जो भी देना है यहाँ पे दोस्तों आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप इस पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ आधार नंबर इंटर कीजिएगा या फिर VID नंबर जो भी है कस्टमर का वो नंबर आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो कस्टमर का जो आधार कार्ड है उसके साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें 6 डिजिट का OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं मोबाइल में OTP आया है कि नहीं। जी हाँ, OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर OTP इंटर किया और उसके बाद वेरीफाई OTP पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली आपका OTP वेरीफाई हो जाता है तो पैन कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि ई साइन सक्सेसफुल, नाउ रिफ्रेशिंग टू एंट्री पोर्टल। आप देख सकते हैं पैन कार्ड इसका कंप्लीट अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे यह भी बता रहा है कि आपका आवेदन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, आपको ईमेल के द्वारा आपका पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से CSC के द्वारा NSDL पोर्टल से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप एक नया पैन कार्ड फिर से अप्लाई कर सकते हैं, पैन अपडेट पर क्लिक करके पैन कार्ड में किसी प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जा करके चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया है CSC NSDL पोर्टल से हम पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दिया हुआ है, जाकर के फॉलो कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।